गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए मैं आज लेकर के आया हूँ 16.4 जो कि डिपेंड है स्फेयर के ऊपर। स्फेयर यानी कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो ठोस गोला होता है वो स्फेयर होता है। बिल्कुल देखने में सर्कल के जैसा होता है, लेकिन ये होता बिल्कुल ठोस है। 16.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बुक्स लमसम सारे स्टूडेंट्स के पास है। आप क्वेश्चन देखोगे, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्फेयर है, उसकी जो रेडियस है वो 1.4 सेंटीमीटर है। आपको उसका एरिया फाइंड करना है और उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। स्फीयर का सिर्फ एरिया होता है, जैसे आप उसको टीएसए भी बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4πr², 4 का 4, पाई की जगह वैल्यू रख दी 22/7 और फॉर्मूला कहता है r², तो 1.4 × 1.4। आफ्टर दैट हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 4 को 22 से मल्टीप्लाई फिर 0.2 से, फिर 1.4 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पहले का। इसी के अंदर एक सेकंड पार्ट है, फाइंड आल्सो द वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। 4/3 का 4/3, पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r³। इट मींस r को हमें 3 टाइम लिखना पड़ेगा, 1.4 × 1.4 × 1.4। इस पूरे का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद में जो आंसर हमारा आएगा वो होगा 11.5। 4 को 22 से मल्टीप्लाई, 0.2 से मल्टीप्लाई, 1.4 से मल्टीप्लाई, 1.4 से मल्टीप्लाई, इसके बाद में हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। 1, 2, 3 तक क्वेश्चन एक जैसे है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक वॉल्यूम है, एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम दे रखा है आपको 38808 सेंटीमीटर क्यूब और पूछ रखा है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4πr². एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए आर। आर हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम है, तो हम वॉल्यूम है तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3πr³। वॉल्यूम हमें जो दे रखा है वो हम इसको सामने रख देंगे, 4πr³=38808। आर हमें फाइंड करनी है, आर को हमने बाहर निकाला और 4/3π डिवाइड में आएगा, तो 4/3π पे डिवाइड में आएगा, 3 जाएगा ऊपर 4 आएगा नीचे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर। यह आप आसानी से कर सकते हैं, 16.1, 2 और 3 में ऐसे काफी क्वेश्चन आपने किए हैं। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 9261। मैथ में जब स्क्वायर को हटाया जाता है तो हम अंडर रूट बनाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट आता है। ठीक इसी प्रकार जब पावर क्यूब होती है उसको हटाते हैं तो क्यूब रूट आता है, और 9261 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 21 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि आर यानी कि रेडियस जो आएगी हमारे पास 21 सेंटीमीटर आएगी। इसके बाद जो हमें पूछ रखा है, हमें स्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr², तो बिल्कुल 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर हमने फाइंड कर लिया जस्ट लाइक एज दैट 21 × 21। हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो 16.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर मिनिमम 6 या 7 तक आप अपनी कॉपी में करेंगे, नोटबुक में, और अपना फीडबैक देंगे। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल के वीडियो में जो आपको बोर्ड में करके बताएंगे। इजी क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें बिल्कुल भेज सकते हैं, और इजी क्वेश्चन आप नोटबुक में सॉल्व कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।